हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों, आज हम एक ऐसे प्रोफेशन के बारे में बात करेंगे जो आज के मौजूदा हालात में तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है। जिस तरह की लाइफ आजकल लोगों की हो गई है, मसलन काम का प्रेशर, घरेलू झगड़े, पैसों की कमी, ऐसे कई कारण हैं जिसकी वजह से बहुतों लोग बहुत जल्दी डिप्रेशन में चले जाते हैं और तब उन्हें एक ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत होती है जो उसे डिप्रेशन से बाहर निकाल सके। उसी को साइकोलॉजिस्ट कहते हैं। दोस्तों, साइकोलॉजिस्ट की डिमांड आज के समय में तेज़ी से बढ़ रही है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे साइकोलॉजिस्ट कैसे बने, इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जान लेते हैं जिस पर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। साइकोलॉजी क्या है, साइकोलॉजिस्ट कौन होते हैं, साइकोलॉजी कितने तरह के होते हैं, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, साइकोलॉजी में कौन कौन सा कोर्स होता है, कोर्स करने के फ़ायदे क्या हैं, करियर स्कोप क्या है, सैलरी कितनी होती है, साइकोलॉजी कोर्स के लिए बेस्ट इंस्टीट्यूट कौन कौन से हैं, साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट में अंतर क्या होता है। दोस्तों, उम्मीद है कि इन पॉइंट्स के जरिए आपके जहन में जो भी सवाल होगा वह क्लियर हो जाएगा। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल सके। साथ ही आप टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। साइकोलॉजी क्या है? दोस्तों, साइकोलॉजी को हिंदी में मनोविज्ञान कहते हैं। मनोविज्ञान यानी कि मन का विज्ञान। इसमें हम यह जानते हैं कि सामने वाले व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है। हम उसके मन का स्टडी करते हैं और मन के स्टडी से हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर उसे क्या परेशानी है। तो कुल मिलाकर कहें तो मन के अध्ययन को साइकोलॉजी कहते हैं। इसके बाद जानते हैं साइकोलॉजिस्ट कौन होते हैं। दोस्तों, साइकोलॉजिस्ट वह होते हैं जो किसी का भी दिमाग पढ़कर उसके मन में क्या चल रहा है। अगर सामने वाला डिप्रेशन में है तो क्यों है, अगर वह चिड़चिड़ा हो गया है तो क्यों हो गया है, इसका अध्ययन करते हैं। और यह अध्ययन सामने वाले के मन को पढ़कर करता है और उसको पढ़ने वाले को या फिर अध्ययन करने वाले को साइकोलॉजिस्ट कहते हैं। और एक साइकोलॉजिस्ट मन को पढ़कर ही इलाज करता है, इसलिए उसे साइकोलॉजिस्ट कहते हैं। इसके बाद जानते हैं साइकोलॉजी कितने तरह के होते हैं। दोस्तों, साइकोलॉजी वैसे तो बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से साइकोलॉजी को चार भागों में बांटा गया है, यानी कि इसके चार ब्रांचेज होते हैं। सबसे पहले प्रैक्टिकल साइकोलॉजी, दूसरा कॉग्निटिव साइकोलॉजी, तीसरा डेवलपमेंटल साइकोलॉजी और चौथा है एकेडमिक साइकोलॉजी। इसके बाद जानते हैं क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। दोस्तों, साइकोलॉजी का कोर्स करने के लिए आपका 12th पास होना जरूरी है। साइकोलॉजी के कई कोर्स होते हैं, जैसे आप ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं, मास्टर डिग्री भी कर सकते हैं, मतलब पीजी भी कर सकते हैं, तो उसी के हिसाब से आपका क्वालिफिकेशन भी होना चाहिए। वैसे अगर आप साइकोलॉजी में ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो आपका 12th पास होना जरूरी है। हाँ, इसमें एक बात और है कि आप 12th किसी भी सब्जेक्ट से पास हो उसके बाद ये कोर्स कर सकते हैं। इसके बाद जानते हैं साइकोलॉजी में कौन कौन सा कोर्स होता है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि साइकोलॉजी में आप ग्रेजुएशन या मास्टर डिग्री भी कर सकते हैं, इसके अलावा डॉक्टरल कोर्स भी कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं ग्रेजुएशन या मास्टर डिग्री में अगर आप साइकोलॉजी का कोर्स करना चाहते हैं तो उसमें कौन कौन से कोर्स होते हैं। सबसे पहले ग्रेजुएशन का जानते हैं, इसमें BSc इन साइकोलॉजी, बैचलर ऑफ आर्ट्स इन साइकोलॉजी, BA ऑनर्स इन साइकोलॉजी। वहीं अगर मास्टर डिग्री की बात करें तो मास्टर ऑफ आर्ट्स इन साइकोलॉजी, मास्टर ऑफ आर्ट्स इन अप्लाइड साइकोलॉजी, मास्टर ऑफ आर्ट्स इन काउंसिल साइकोलॉजी, MSc इन साइकोलॉजी। वहीं अगर डॉक्टरल कोर्स की बात करें तो इसमें डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी इन साइकोलॉजी, MPhil इन साइकोलॉजी। इसके बाद जानते हैं कोर्स करने के फ़ायदे क्या हैं। दोस्तों, साइकोलॉजी का कोर्स करने के बाद आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, जैसे आप पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में काम कर सकते हैं, सोशल वर्क कर सकते हैं या थेरेपी और काउंसलिंग के क्षेत्र में भी आप काम कर सकते हैं। यानी साइकोलॉजी का कोर्स करने के बाद बहुत सारे ऑप्शन आपके पास होते हैं, क्योंकि बहुत कम स्टूडेंट साइकोलॉजी का कोर्स करते हैं। यही वजह है कि इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन होता ही नहीं और आसानी से आपको जॉब भी मिल सकती है। आप जॉब करने के साथ साथ अपना खुद का काउंसलिंग सेंटर भी खोल सकते हैं। तो कुल मिलाकर इस कोर्स को करने के बहुत सारे फायदे हैं। इसके बाद जानते हैं करियर स्कोप क्या है। दोस्तों, अगर आप साइकोलॉजी का कोर्स करके इसी क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो बहुत सारे ऑप्शन हैं। अगर आप साइकोलॉजिस्ट बनकर करियर बनाना चाहते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है, क्योंकि आज के समय में हर व्यक्ति तनाव में रहता है। परेशानी अलग अलग हो सकती है, लेकिन तनाव सबको होता है। ऐसे में हर व्यक्ति को काउंसलर की ज़रूरत होती है।
खास करके अगर शहरों की बात करें तो यहाँ पर काउंसलिंग का चलन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। हालांकि यह दायरा अब छोटे छोटे शहरों में भी बढ़ता जा रहा है, लेकिन बड़े शहरों में साइकोलॉजिस्ट की बहुत ज़्यादा डिमांड है। हमारे देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में साइकोलॉजिस्ट की डिमांड बढ़ रही है। अगर आप इसमें करियर बनाना चाहते हैं तो आप इस कोर्स को करें बिना यह सोचें कि इसमें करियर स्कोप क्या है, क्योंकि इसमें संभावनाएँ बहुत अधिक हैं। इसके बाद जानते हैं सैलरी कितनी होती है। दोस्तों अगर आप साइकोलॉजिस्ट बनते हैं तो इसमें आपको अच्छी खासी सैलरी मिलती है। हालांकि सैलरी इस बात पर भी डिपेंड करती है कि आप किस संस्था में काम कर रहे हैं, आप किस हॉस्पिटल के साथ जुड़कर काम कर रहे हैं, या फिर खुद का काउंसलिंग सेंटर खोल के काम कर रहे हैं, या सोशल वर्क जैसे काम कर रहे हैं। वैसे अगर नॉर्मली देखा जाए तो अगर आप बड़े शहरों में सेंटर खोलते हैं तो आप वहाँ हर महीने 4 से 5 लाख तक कमा सकते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि साइकोलॉजिस्ट के क्षेत्र में स्कोप बहुत ज़्यादा है। इसके बाद जानते हैं बेस्ट इंस्टीट्यूट फॉर साइकोलॉजी कोर्स। दोस्तों अब सबसे पहले यह जान लेते हैं कि अगर आप साइकोलॉजी का कोर्स करना चाहते हैं तो कौन सा कॉलेज बेस्ट है। सबसे पहले जानते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली, गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी यूपी, अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली, पंजाब यूनिवर्सिटी पंजाब, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज। इसके बाद जानते हैं साइकोलॉजिस्ट और साइकास्टिक्स में क्या अंतर होता है। दोस्तों वैसे तो साइकास्टिक्स और साइकोलॉजिस्ट दोनों ही मेडिकल के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, लेकिन दोनों में एक बेसिक तौर पर जो बड़ा अंतर है वह यह है कि एक साइकास्टिक्स मरीज को दवा दे सकता है लेकिन साइकोलॉजिस्ट के पास मरीज को दवा देने का अधिकार नहीं होता है। हाँ, वह इतना जरूर कर सकता है कि वह मरीज को साइकास्टिक्स से मिलकर दवा लेने की सलाह दे सकता है, लेकिन खुद कभी भी मरीज को दवाई नहीं दे सकता। यही साइकास्टिक्स और साइकोलॉजिस्ट में बेसिक डिफरेंस है। दोस्तों इस वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।